फ्रेंड्स, मैजिक किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ढोकला बना के दिखाऊंगी। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप मैंने बेसन ले रखा है और आधी कप मैंने यहाँ पे दही ले रखी है। सेम मतलब बराबर ही मेजरमेंट बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। जैसे एक कप है तो ये आधा कप होना चाहिए। फिर इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल दही है हमारी, रूम टेम्परेचर पर इसे मतलब ले रखा है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पानी ऐड कर देंगे और इसको फैट लेते हैं। अभी मैंने इसमें नमक और हल्दी नहीं डाला है। अभी हम इसको फैट लेते हैं, तब हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत ही कम डालेंगे इसमें। ये देखिए, बहुत मामूली से मैंने हल्दी पाउडर डाला है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। फिर इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अभी देखिए बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसको मिक्स करिए इस तरीके से। आप फेंटते रहिए, कम से कम 5-10 मिनट इसी तरीके से आप करते रहिए। इससे क्या है, बहुत ही स्पंजी ये बनेगा। इस तरीके से हम इस तरीके से करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसन को आधे घंटे का रेस्ट मिल चुका है। ये आधे घंटे हो गए हैं, ये फूल चुका है काफ़ी। अब इसमें हम मीठा सोडा ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मीठा सोडा डाल रहे हैं, और इसको बहुत हल्के हाथों से आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस बैटर को डालने के लिए यहाँ पे मैंने एक थाली ले रखी है, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है। आप केक टिन में भी डाल सकते हैं इसे, जैसे भी जो भी चीज़ आपको सुटेबल लगे उसमें। देखिए फिर हम ये इसमें सारा बैटर इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, एक गिलास पानी डाल दिया है, और यहाँ पे एक स्टैंड इसके अंदर मैंने देखे डाल रखा है। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने मतलब थाली में यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया है स्टीम होने के लिए। अब इसे थाली से हम कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ढोकले के लिए हम लोग अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है इसमें मैंने। अभी जब ये गर्म हो जाएगा थोड़ी सी डाल देंगे कढ़ाई। ये देखिए कढ़ाई जब थोड़ी चटक जाएगी हमारी, ये देखिए थोड़ी जब चटक जाएगी तो इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। हरी मिर्च की जगह थोड़ी हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने नींबू का रस जो निकाला था, एक नींबू है ये डाल दिया हमने। चीनी थोड़ी सी डाल देते हैं खट्टा मीठे स्वाद के लिए। तो मैंने एक टेस्ट में यहाँ पे चीनी डाल दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। ये देखिए तड़का भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बॉयल अच्छे तरीके से इसमें पूरी तरीके से आ रहा है। ये देखिए नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले ढोकले में भी ऐड कर रखा है। ये देखिए फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तब अपने ढोकले के ऊपर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ढोकले हमारे ये देखिए पक चुका है। ये देखिए स्टीम में बिल्कुल भी कुछ स्टीम में नहीं चिपक रहा है, ये वो पक चुका है हमारा। अब उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ढोकला बन के रेडी हो गया। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और फिर कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्लेट में से निकाल लिया है। अब इसको हम कट करते हैं इस तरीके, और देखिए कितना ही सॉफ्ट है ये। देखिए इसे हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। ढोकला बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम तड़का डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये जो हमने बना के रखा था पहले से, इस तरीके से
इसको थोड़ा करके ऐसे डालते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना जूसी और स्पंजी लग रहा है। ये देखिए दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है ना। देखिए अब हम दूसरे तरीके से आपको इसे फ्राई करके भी दिखाएंगे। अभी ये तो मीठा खट्टा हो गया, डायबिटीज वाले लोग इसे खा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मीठा अभी आपको दूसरा दिखाएंगे, केवल जिसमें नमक ही रहेगा बस। देखिए फ्रेंड्स, खट्टे ढोकले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। अब ये अच्छी तरीके से हीट कर रहा है और इसे हम खट्टे और तीखा चटपटा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राई डाल दिया है। ये देखिए राई तड़क गई है, इसमें कड़ी पत्ता भी हम डाल देंगे। ये देखिए ये हरी मिर्च डाल देंगे, चला लीजिए। देखिए फ्राई हो चुका है, इसे खट्टा करने के लिए हम इसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल देंगे। अगर ज़्यादा ही ड्राई आपको दिख रहा है तो हल्का सा पानी इसमें एक आप 2 चम्मच डाल दीजिएगा। ठीक है, मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा लगे खाने कर दिया। और तीखा ढोकला बन के रेडी हो गया हमारा। देखिए फ्रेंड्स, तीखा और खट्टा ढोकला बन के रेडी हो गया है हमारा। जो भी लोग चीनी नहीं पसंद करते हैं खाना, वो इस तरीके से ढोकले को फ्राई करें और फिर अपना इंजॉय ले खा के इसे। देखिए फ्रेंड्स, खट्टा और मीठा ढोकला बन के रेडी हो गया है हमारा। देखिए कितना स्पंजी है ये देखिए और कितना जूसी है ये देखिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, जैसे मार्केट में जैसे लगता है ना, जो मार्केट में मिलता है सेम वैसा ही ये भी लगता है। अब आप बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।